तो कैसे हैं आप लोग? और अभी तो रुको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय स्टेट बैंक की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि आप नहीं जानते हैं या फिर कुछ लोग जानते भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक में 50,000 से 1,00,000 तक रुपए का एक SME लोन होता है जो कि हमको व्यवसाय के ऊपर मिलता है, जैसा कि बिजनेस में आपका कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा बिजनेस, बड़ा सा बड़ा बिजनेस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस आपके पास बिजनेस होना चाहिए और मैं आज बताने वाला हूँ कि ये लोन आप कैसे पा सकते हैं। अभी उस लोन की तेजी चल रही है तो आप अपने स्टेट बैंक में जाके ये लोन करा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ऐसा आधार कार्ड होता है जिसमें कहीं नाम गलत होता है, तो कहीं एड्रेस गलत होता है, तो कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, तो कहीं फोटो गलत होता है, मतलब कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपको लोन मिलने में आसानी होती है। आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संपर्क करके लोन ले सकते हैं 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का। ठीक है, दूसरी बात, हमें पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड भी जैसा मैंने आधार कार्ड में बताया था कि आधार कार्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जस्ट उसी तरह पैन कार्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये उद्योग आधार भी इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 100-150 रुपए लगेंगे, आप अपना किसी साइबर में करवा लीजिएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इस लोन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये व्यवसाय पे मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, मंत्रालय। तो आपके पास ये होना चाहिए और इस पे आपके दुकान का नाम भी चढ़ जाएगा। अगर आपके पास दुकान है तो आप इस पे अपने दुकान का नाम चढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अपने दुकान का नाम इस पे चढ़वा के आप ले सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फिर आपको बता दूँ स्टाम्प पेपर, तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर इसमें लगता है, कम से कम 2-3 स्टाम्प पेपर आपके इसमें लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप अपना स्टाम्प पेपर ले लीजिएगा। अगर स्टाम्प पेपर आपको नहीं मिल पाता है तो आप अपने बैंक में संपर्क कर सकते हैं। बैंक में संपर्क करेंगे तो बैंक वाले खुद ही आपको स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करा देंगे। इसमें 10 रुपये का भी स्टाम्प पेपर लगता है, ठीक है, 3-4 भी लगेगा, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर और 2 फोटो, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। इतने डॉक्यूमेंट आपको SME लोन लेने के लिए, मुद्रा लोन लेने के लिए चाहिए। तो सिंपल तरीके से ये लोन आपके खाते में 1 से 2 दिन में डिसबर्स हो जाता है, यानी कि 1 से 2 दिन में आपके खाते में ये लोन चला आता है सिंपल तरीके से। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। और इसकी सबसे एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये लोन जो है व्यवसाय पे मिलता है, तो आपका इसमें लोन के ऊपर कवर भी हो जाता है। 200-300 रुपये कटते हैं, आपका कवर भी हो जाएगा लोन कि अगर आपके स्टॉक में, अगर आपने जितना भी अपनी दुकान में स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जल जाता है या भर जाता है, तो उसका आपको बैंक पैसा चुकाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो अपने स्टेट बैंक में जाके SME लोन ज़रूर लीजिएगा। हम जैसे बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा।